हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही छोटा सा डिज़ाइन लेके आई हूँ। देखिए, और ये बहुत सुंदर लगता है, ऐसे करके आएगा ये डिज़ाइन। ये 4 रो का ये डिज़ाइन है, जिसमें से केवल आपका 1 रो पे ही ये डिज़ाइन पड़ेगा, बाकी की 3 रो हमें नॉर्मल बनानी है, जैसे हम बनाते ही हैं सीधा उल्टा। बहुत सुंदर लगता है ये और बहुत ईजी है बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा ये। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 3 के मल्टीपल में फंदे डालने हैं और 2 फंदे हम अपनी एज के लिए एक्स्ट्रा लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 4 लाइन का बॉर्डर बना रखा है। इसके बाद अब ये फर्स्ट रो है हमारी, राइट साइड है, सीधी तरफ है, तो ये हम पूरा सीधा बिनते हुए कंप्लीट करेंगे। सारे फंदे हम इसमें सीधे सीधे बिन लेंगे। सेकेंड रो है हमारी, रॉन्ग साइड है, ये पूरा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। इसमें सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बिनेंगे। अब ये हम राइट साइड में है, सीधी तरफ है, और इस राइट साइड में हमारा डिजाइन पड़ेगा। तो देखिए, फर्स्ट पहला फंदा तो हमारा ऐसे ही निकल जाएगा, एज स्टिच है। इसके बाद 3 फंदों की ये बिनाई है, तो पहला, दूसरा छोड़ के तीसरे फंदे को हम पहले बिनेंगे। ऐसे तीसरे फंदे को पहले बिना इस तरीके से, और उसके बाद इन 2 फंदों को बिनेंगे। तो फिर पहला फंदा बिना, उसके बाद दूसरा फंदा बिन देंगे, और तीसरा फंदा हम बिन चुके हैं, तो इसको अब ऐसे निकाल देंगे। फिर से आगे इन 3 फंदों में रिपीट करेंगे अपना डिज़ाइन। तो पहला, दूसरा छोड़ के तीसरे फंदे को हम इस तरीके से सीधा बिन लेंगे, उसके बाद पहला फंदा बिनेंगे, फिर दूसरा फंदा बिनेंगे, और तीसरा फंदा, क्योंकि हम बिन चुके हैं, तो इसको ऐसे निकाल देंगे। फिर से रिपीट होगा, तीसरे फंदे को पहले बिनेंगे हम, फिर पहला फंदा बिनेंगे, फिर दूसरा, और तीसरे को निकाल देंगे इसे। तो ये पूरी रो इसी तरीके से कंप्लीट करनी है हमने। बस पहले तीसरा फंदा बिनेंगे, उसके बाद पहला और दूसरा फंदा बिनेंगे। अब ये एक लास्ट की एज स्टिच बची है, इसको हम सीधा बिन लेंगे। ये डिजाइन वाली रो कंप्लीट हो गई है राइट साइड। अब रॉन्ग साइड से हम सारे फंदे उल्टे बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। इसमें सारे फंदे हमें उल्टे उल्टे बिनने हैं, इस तरीके से। ये जो ये लूप वाला स्टिच है, इसको भी ऐसे उल्टा बिन लेंगे। ये पूरी रो हम उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, एक बार हमारा डिज़ाइन ये बन गया है। अब इन्हीं 4 रो को हमें आगे रिपीट करते जाना है। फिर हम अपनी सीधी रो पूरा सीधा बिनेंगे, फिर उल्टे साइड से पूरा उल्टा बिनेंगे, और 3rd रो में हम फिर ऐसे ही डिज़ाइन डालेंगे, और 4th रो फिर उल्टा बिनेंगे। तो इन्हीं रो को आगे कंटिन्यू करते जाएंगे, तो हमारा ये डिज़ाइन आगे बढ़ता जाएगा। थैंक यू।